वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़। आज हम लोग MLIS के अंदर MLIS 108 कोड में एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में के अंतर्गत ब्लॉक एक में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके मैकेनिकल इरा को समझेंगे। कंप्यूटर का जो सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ, स्टार्टिंग हुई थी, वो गणना के लिए हुई थी, कैलकुलेशन के लिए। इट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ उसमें बेसिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को करने के लिए इसका विकास हुआ। इसमें सबसे पहले बात आती है मैकेनिकल इरा की, जिसमें कि कंप्यूटर को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने मशीन को बनाया। मशीन जो कि मैनुअली थी। मैकेनिकल इरा का मतलब मशीन तो थी लेकिन उसमें ह्यूमन का इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी था, बिना उसके वो काम नहीं करती थी। मैकेनिकल इरा था वो। तो उसमें सबसे पहले जो डिवाइस आती है वो अबेकस के बारे में आती है। अबेकस क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज़ फॉर कैलकुलेशन, जो कि टोटली मैकेनिकल थी। और इसका बनाने में मेसोपोटामियंस लोगों ने इसको डेवलप किया था 3000 BC, मतलब कि 3000 में अगर 2000 साल और जोड़ दिया जाए तो 500 साल पहले की बात है जो हमारा एबेकस डेवलप हुआ था। एबेकस जो था वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था जिसमें कि मैन्युअली कैलकुलेशन होती थी। ये सिर्फ दो ऑपरेशन को कर सकता था, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ये कर सकता था। उसके बाद जो सेकेंड डेवलपमेंट हुआ वो था पास्केलिन। पास्केलिन डिवाइस जो कि इन्वेंटेड बाई फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, उन्हीं के नाम पर इसको पास्केलिन नाम दिया गया। बनाई कब थी? 1642 में। इसमें क्या डेवलप हुआ था? इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर मेड अप ऑफ गियर्स और व्हील। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एबेकस में सिर्फ मैनुअली वर्क होता था, यहाँ पे दो चीज़ों को यूज इंट्रोड्यूस किया गया, गियर्स और व्हील का इंट्रोड्यूस। इसमें जो थी व्हील्स कितनी थी, इसमें 8 व्हील्स का यूज़ किया जाता था और इसको मैन्युअली ऑपरेट करके हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम को करते थे। ये दो सिर्फ वर्क को करती थी। इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो काम ये करती थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वर्क ये नहीं कर पाती थी। द कैलकुलेटर कंटेंड अ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ कैरी व्हील। कैरी इसमें क्या होता था, जो एडिशन करते हैं हम लोग, जो कैरी जनरेट होती है हमारी, उसको भी ये हैंडल करने में सक्सेसफुली थी। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे लेबनीज व्हील की। लेबनीज व्हील में इसका डेवलपमेंट हुआ था आपका 1671 में, 1671। पास्कल्स मशीन वाज एक्सटेंडेड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे पास्कल में सिर्फ हम दो ऑपरेशन करते थे, अर्थमेटिक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, लेबनीज ने क्या किया, इसमें दो ऑपरेशन और इंट्रोड्यूस किए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि ये डिवाइस थी जो चार ऑपरेशन कर सकती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर के डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था, चार्ल्स बेबेज ने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें। इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन को बनाया था। डिफरेंस इंजन एक ऐसी डिवाइस थी जो मैथमेटिक्स के और फर्दर ऑपरेशंस को, जो कि बहुत टफ ऑपरेशन माने जाते हैं, एल्गोरिदम और ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी परफॉर्म करने में ये सक्सेसफुल थे, जिसका इंट्रोड्यूस किया गया था 1823 में। जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिफरेंस इंजन है, चार्ल्स बेबेज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन के आगे बढ़ करके एक और डिवाइस इंट्रोड्यूस की गई, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन।
एनालिटिकल इंजन जो था आपका, दिस मशीन परफॉर्म एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली, ये किसी भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली कर सकती थी। इट कंटेन ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, जो आज के समय में जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बेसिक ऑपरेशन हमारा इनपुट आउटपुट एक प्रोसेसर होता है और एक स्टोरेज डिवाइस, चार बेसिक ऑपरेशंस को फॉलो करती है। इसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक इंडिविजुअल डिवाइस होती थी जिसका काम था कि वो जितने भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करती थी। इस मशीन को इन्होंने नाम दिया था मिल, जिसका वर्क था कि जितने भी अर्थमेटिक्स जो भी प्रोसेसिंग के वर्किंग होती है उसको करती थी। सेकंड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मेमोरी यूनिट, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी हम करते हैं उसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इन्होंने इसी में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि आउटपुट में हमारा प्रिंटर यूज़ होता था। इसका मतलब कि इन्होंने जो बेसिक जो कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है, मेन फंक्शनिंग, दैट इज़ इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए इनको कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने जो आज के समय में जो कंप्यूटर में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आज के मॉडर्न कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद आगे का जो डेवलप हुआ था उसमें हरमैन हॉलरेथ ने एक सेंसेक्स मशीन बनाई थी। हॉरमैन हॉलरेथ वॉज द इन्वेंटर ऑफ द पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ हिज मशीन केम अबाउट इन द 1890s यूनाइटेड स्टेट मशीन। इन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट में जो सेंसेस होते थे उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक मशीन को डेवलप किया था। इन 1896 ही फॉर्म द टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। इन्होंने एक टेबुलेटिंग मशीन नाम की कंपनी डेवलप की जिसका काम था कि सेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए ये मशीन इन्होंने डेवलप की थी, कंपनी को इंट्रोड्यूस किया था। इन 1911 हिज कंपनी वॉज मर्ज्ड विद द सेवरल अदर टू फॉर्म द टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इन्होंने अपनी कंपनी को और अदर कंपनी के साथ मर्ज करके एक टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। दिस कंपनी वॉज रीनेम्ड एज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका इंट्रोड्यूस हुई थी 1924 में, जिसका श्रेय जाता है आपका हरमैन हॉलरेथ को। फिर इसके अभी आपने देखा मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो था इलेक्ट्रॉनिकल डेवलपमेंट। द इलेक्ट्रॉनिक इरा द फर्स्ट पॉपुलर जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज द इनियक। इनियक नाम का एक कंप्यूटर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ जो कि आपका टोटली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड था जो कि इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन के वर्क को परफॉर्म कर सकता था। जॉन वॉन न्यूमैन वॉज द कंसल्टेंट ऑफ द इनियक प्रोजेक्ट। इनियक प्रोजेक्ट के जो कंसल्टेंट थे वो थे आपके जॉन वॉन न्यूमैन। इट वॉज अ वेरी लार्ज मशीन वेइंग अबाउट 30 टन। ये इतनी बिग मशीन थी, इसका वेट कितना था, 30 टन का इसका वेट था। एंड कंटेनिंग अबाउट 18,000 वैक्यूम ट्यूब। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। वैक्यूम ट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके की ये एक ग्लास की डिवाइस बनी होती थी जो टोटली वैक्यूम होती थी इसमें, और इसमें डिवाइस को इंट्रोड्यूस करके हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया था। क्योंकि आपके वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते थे इसीलिए इन मशीन का जो वेट आप देख रहे हैं 30 टन्स का होता था। और कितने वैक्यूम ट्यूब, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को इन्होंने इसमें यूज़ किया था। फिर सेकेंड जनरेशन आपकी आती है वैक्यूम ट्यूब के बाद। द ट्रांजिस्टर वॉज द इन्वेंटेड इन 1948। वैक्यूम ट्यूब के बाद हमारे पास आते हैं ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ इन 1948 एट एंड टी बेल लेबोरेटरीज। ये कंपनी का नाम है इस
लेबोरेटरी में हमारे ट्रांजिस्टर डेवलप हुए थे। फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज बोला जाता है वॉज द फर्स्ट डिज़ाइन एंड फैब्रिकेटेड इन 1958 एंड 59 के अराउंड में ये डेवलप हुए थे बाई जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयस। ये दो साइंटिस्टों ने इंटीग्रेटेड सर्विस को सर्किट को डेवलप किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसी डिवाइस है जो एक छोटी सी डिवाइस में ही सारे जितने भी कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं इनको इनकॉर्पोरेट करके एक डिवाइस बनाई गई थी जो कि बहुत छोटी होती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर आपके बहुत बड़े होते थे, तो इनको रिप्लेस करके इसके बाद एक नया डेवलपमेंट हुआ जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि कंप्यूटर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट आर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। ये छोटे छोटे चिप्स होती हैं जो कंप्यूटर आप देखेंगे मदरबोर्ड को तो उसमें छोटे छोटे चिप्स लगी होती हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, कई सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके इस डिवाइस को बनाया गया था जिसमें कि आपके रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है। बुल्ट ऑन अ सिंगल पीस ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, और ये किस पे बनी होती हैं, ये बनी होती हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल्स की जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिलिकन। सिलिकन एक तरीके का सेमी कंडक्टर मटेरियल है, सिलिकन पे ये मशीन जो है डेवलप की जाती है, सिलिकन मटेरियल का यूज़ करके इस मशीन को डेवलप किया जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो इसमें कई तरीके की इंटीग्रेटेड सर्किट होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की हैं, जो कि ये कितनी डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई हैं उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हमारे रजिस्टर्स ट्रांजिस्टर कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी को बताती है। जैसे SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, सबसे छोटी डिवाइस जिसमें कि आपके नियर अबाउट 1 से लेकर 100 तक ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। फिर बात आती है MSI, MSI का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि 100 से लेकर 1000 तक के डिवाइसेस का यूज़ करके 100 से लेकर 1000 तक की डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। फिर आगे आता है आपका LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि 1000 से लेकर 10000 तक के ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स का यूज़ करके डिवाइस को बनाया जाता है। सबसे बाद में आता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन में क्या है मोर देन 10000 डिवाइसेस का यूज़ करके ICs को डेवलप किया गया। तो IC का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कंप्यूटर के फील्ड में एक रिवोल्यूशन की तरह था जिसने कि कंप्यूटर को एकदम से रिड्यूस कर दिया। जो भी कंप्यूटर आप आज देख रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है आपका, डेस्कटॉप है, मोबाइल वगैरह है, इसमें जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट की बात हो गई अभी तक जितने भी डेवलपमेंट हुए। अब इन्हीं डेवलपमेंट्स को कंप्यूटर में कंप्यूटर जनरेशंस के नाम से जाना जाता है। तो जो डेवलपमेंट हुए हैं कंप्यूटर में उनको हम लोग 5 जनरेशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन आपकी कब से कब तक है, 1946 से लेके 1956 तक, 54 सॉरी फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन 1955 से लेके 1964, थर्ड आपका है 1965 से लेके 1974, फोर्थ जनरेशन 1975 से लेके 1984, और फिफ्थ जनरेशन जो कि लेटेस्ट है आपके पास प्रेजेंटली 1985 से लेके प्रेजेंट जो चल रहा है दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन। और इनको फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन आपका जो है 1946 से लेके 1954, इसमें क्या था, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मतलब जो भी आपका प्रोसेसर है कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो आज के समय में हम लोग उसको CPU के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था, ठीक। फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब।
अब वैक्यूम ट्यूब होने की वजह से इनके साइज बहुत बड़े थे, जैसे अभी हमने बताया था आपको 30 टन का कंप्यूटर होता था, 30 टन के कंप्यूटर थे और उसमें करीब 18,000 आईसी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके कंप्यूटर को बनाया गया था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन में, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड समझ सकता है। कंप्यूटर जानते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण ये सिर्फ दो चीज़ों को समझता है, दैट इज़ ज़ीरो एंड वन। अगर इसको डीप में समझा जाए तो ज़ीरो और वन भी नहीं समझता है, ये समझता है ज़ीरो को हम लोग कहते हैं ऑफ और वन को कहते हैं ऑन। इलेक्ट्रिक में इंफॉर्मेशन को समझाने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑन एंड ऑफ। अगर पावर आ रही है किसी डिवाइस में दैट इज़ ऑन, अगर पावर नहीं आ रही है तो दैट इज़ ऑफ। ऑफ को डिनोट करते हैं ज़ीरो से और वन। इन्हीं वन और ज़ीरो के कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। उसके बाद अगर बात करें मेमोरीज की, इसमें जो मेमोरी लगी होती है वो होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है? ये एक तरीके की मेमोरी है जो कि सिक्वेंशियल है। इसमें आप किसी चीज़ को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको वन बाई वन ही, जैसे अगर आपको इस डेटा को एक्सेस करना है यहाँ के, तो आपको इस रो को पूरा स्टार्टिंग से एक एक चीज़ को एक्सेस करके तब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक टेप। इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती थी वो पेपर टेप और पंच कार्ड का यूज़ करते थे। पंच कार्ड क्या होते थे? छोटे छोटे पेपर होते थे जिसमें कि होल करके हम इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करते थे एज ए इनपुट के फॉर्म में। अगर बात करें स्पीड और साइज की, तो इसमें आप एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे जैसे आप फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ की तरफ बढ़ेंगे तो कंप्यूटर की जो साइज होगी वो रिड्यूस होती चले जाएंगी, कंप्यूटर आपके कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे, छोटे होंगे और स्पीड इनकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो स्पीड जो थी बहुत ही स्लो थी क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था और साइज इनकी बहुत लार्ज होती थी, ठीक है। और इसके एग्जांपल जो हैं IBM, अभी हमने बताया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो कंप्यूटर है वो 650 नाम से IBM नाम का कंप्यूटर इस जनरेशन में यूज़ होता था। ENIAC कंप्यूटर अभी बताया था हमने वो, और UNIVAC, ये कंप्यूटर आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अगर बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन आपकी 1955 से लेकर 1964, जिसमें कि ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से बहुत कॉम्पैक्ट होते थे, कम एनर्जी कंज्यूम करते थे और इन्होंने जो कंप्यूटर के साइज़ को एकदम से रिड्यूस कर दिया। तो सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज़ ट्रांजिस्टर। इसमें अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आपकी इंट्रोड्यूस हो गई थी जिसमें कि बेसिक और कोबोल का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग को किया करते थे। इसमें मेमोरी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक डिस्क वगैरह आ गई थी, ये तो टेप आपने देखा फर्स्ट जनरेशन में। इसमें क्या था, सर्कुलर डिस्क जो कि मैग्नेट की बनी होती थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, वही चीज़ें आपकी सेकेंड जनरेशन में भी यूज़ होती थी। अगर स्पीड की बात करें, तो अभी हमने बताया कि जैसे जैसे आप एक जनरेशन से दूसरे में आगे बढ़ेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी और साइज आपका क्या होता चला जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो वही चीज़ है, मोर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसकी स्पीड थी और इनका साइज क्या था, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। इसमें जो आपके कंप्यूटर यूज होते थे दैट इज़ PDP-8, IBM 1400 सीरीज जो होती आपकी वो सेकेंड जनरेशन में यूज़ होती थी। फिर बात करते हैं थर्ड जनरेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन है कंप्यूटर के फील्ड में, जिसमें कि हमारे पास ICs इंटीग्रेटेड सर्किट का इंट्रोडक्शन होता है जिसने कि कंप्यूटर के साइज़ को एकदम से रिड्यूस कर दिया। और इसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए समझना आसान होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, चीज़ें आपके ज़ीरो और वन के फॉर्म में होती हैं, तो इसको इसके एरर्स को फाइंड कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हैं उन्हीं का यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और मेमोरी की बात करें तो इसमें भी मैग्नेटिक टेप और डिस्क दोनों का ही यूज़ किया जाता था।
इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था, जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी थर्ड जनरेशन में आ गई थी। अगर स्पीड और साइज़ की बात करें तो वही सेकंड जनरेशन से इसकी स्पीड ज़्यादा थी और साइज इसका सेकंड से कम था, स्मॉल था। एग्जांपल अगर बात करें तो IBM 360, PDP 11 ये कंप्यूटर इसमें इंट्रोड्यूस हो गए थे। फिर बात आती है आपकी फोर्थ जनरेशन, जिसमें कि आपका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो आपका है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, इसी को हम लोग आजकल CPU के नाम से जानते हैं। CPU का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर का मतलब CPU। अगर CPU को हमने इतना छोटा कर दिया, इतना कॉम्पैक्ट कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में, दैट इज़ इसको बोला गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो और इसमें आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में कई तरीके के कंप्यूटर होते हैं, उसमें एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उस कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो कि आपके पास हैं अभी। आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे कंप्यूटर आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए जाते हैं, क्योंकि इन कंप्यूटर्स में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो लैपटॉप जो आप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, वो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उनमें आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये फिगर आप देख रहे हैं, इंटेल कंपनी का बनाया गया ये प्रोसेसर है, जो कि सारे बेसिक ऑपरेशन, इनपुट, प्रोसेस, जो भी आपके मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में इसका यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वही हाई लेवल लैंग्वेज इसमें भी यूज़ होती है। इसमें आपके पास जो मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी आपकी हो गई सेमी कंडक्टर मेमोरीज आ गई थी, जिसमें कि आपके रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरीज का यूज़ किया गया, जिससे कि क्या हुआ, पावर कंजम्पशन एकदम से कम होने लगा और ये बहुत ही फास्ट मेमोरी थी कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। फिर इनमें अगर बात करें कि आपके इनपुट डिवाइसेस की, तो इसमें पॉइंटिंग डिवाइस मतलब कि माउस, इसमें माउस का इंट्रोडक्शन हो गया था। ऑप्टिकल स्कैनर एज ए इनपुट के लिए यूज़ किया जाता था। कीबोर्ड और प्रिंटर का भी इसमें यूज़ किया जाता था। इसकी अगर साइज की बात करें तो साइज इसकी काफ़ी छोटी हो गई थी, वेरी स्मॉल साइज, और ये पोर्टेबल कंप्यूटर थे। इसको आप लोग कहीं भी अपने एक जगह से दूसरे जगह आप इसको मूव करा सकते हैं। और इसकी स्पीड क्या थी, फर्दर जितनी कम पहले आपने जनरेशन देखी उनसे इसकी स्पीड ज़्यादा थी। कंप्यूटर कौन कौन से थे, IBM, एप्पल का कंप्यूटर और मैकिंटोश कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर इसमें आ गए थे। फिर सबसे लास्ट में बात आती है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो कि प्रेजेंटली हम लोग जिस जनरेशन में हम लोग हैं वो दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका AI, आज के कंप्यूटर जो हैं वो AI बेस्ड डेवलपमेंट इसमें हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैरेलल प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कंप्यूटर को एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह बनाना, जिससे कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, सोच सके। और इसमें जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में NLP बोलते हैं। और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को इसमें यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर मेमोरी की बात करें तो इसमें SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज़ किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपका टच पैड पेन का यूज़ किया जाता है, टच स्क्रीन है आपकी, और वॉइस रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है। और वेरी फास्ट होते हैं इनकी साइज़, आपकी वेरी स्पीड बहुत ही हाई होती, वेरी हाई, और साइज इनका एकदम पोर्टेबल साइज की ये होते हैं। और इनमें जो कंप्यूटर हैं आपके, वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। तो ये आपको हमने बताया कि जो पांच तरीके की जनरेशन्स होती हैं, इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्पीड, साइज और एग्जांपल, इनके द्वारा हमने आपको ये बताया कि कैसे पांच जनरेशन्स में हमारे कंप्यूटर के डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया गया है। थैंक यू।